नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मेरा नाम है जी जितेश। तो मुझे लगता है कि मेरे इंट्रोड्यूस से पहले आज तो सर को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। आप हैं डॉक्टर रविकांत, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और सर आपका वेलकम, स्वागत है बहुत आज के सेशन में। तो सर, पहले हम थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है आज, और अनअकैडमी पर बहुत कुछ फ्री भी है ना। तो अगर हम फ्री की बात करें तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और वहां पर आपको फ्री स्पेशल सेशंस मिलेंगे जो आप टॉप एजुकेटर के देख सकते हैं, जहां पर वो बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हैं, सारे के सारे सेशन दिए जाते हैं। इसके अलावा फ्री कॉम्बैट एग्जाम होते हैं जिसमें स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। वहां पर आपसे एक कोड मांगा जाता है, वो JKR10 कोड यूज करना है। अगर आप सब्सक्रिप्शन की तरफ जाते हैं तो आपको आइकॉनिक और प्लस की दो फैसिलिटी हैं, जहां पर बहुत सारी फैसिलिटी आपको मिलती है, जैसे लाइव टेस्ट, लाइव डेली लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड एसेस। और वही आइकॉनिक में आपको पर्सनल डाउट क्लियर होते हैं आपके, और प्रिपेड स्टडी मटेरियल मिलता है। वहाँ पर टॉप एजुकेटर हैं जो एक ही सब्जेक्ट को बहुत सारे एजुकेटर पढ़ाते हैं। और अगर आप फीस की बात करें तो फीस के ऑप्शन भी बहुत सारे हैं, जहाँ पर आई प्लस में 1 महीने से लेकर 24 महीने तक के अलग अलग 5 ऑप्शन हैं, जबकि प्लस आइकॉनिक की बात करते हैं तो वहाँ पर 3 ऑप्शन हैं जो आप अपनी जरूरतों के हिसाब से चुन सकते हैं। अगर आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कोड यूज कीजिए JKR10। आ जाते हैं सर के पास और सर की बात सुनते हैं। तो सर, पहले मैं आपको आपके बारे में सबको इंट्रोड्यूस और अच्छे से करा देता हूँ। सर का नाम डॉक्टर थैंक यू। रविकांत है और सर ने PhD, MSc, BSc, मैं उल्टा क्रॉनिकल ऑर्डर बोल रहा हूँ, है ना, ये किया है। और सर खुद एक इंस्पायर फेलो भी रहे हैं, JRF किया सर ने। और सर अब लगभग 2 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मध्य प्रदेश के कॉलेज में। तो मुझे लगा कि आप लोगों को सर के बारे में जानना चाहिए, है ना। सर मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। तो मैं सर के ओवर टू यू कर देता हूँ। सर आप बताइए, क्या है आपकी सक्सेस स्टोरी और अनअकैडमी को लेकर के आपका क्या व्यू है? थैंक यू जी विदेश, थैंक यू सो मच। आपने पहले बात तो आज मुझे अनअकैडमी का हिस्सा बनाया, भले ही एक दिन के लिए, तो मेरे लिए भी ये बहुत बड़े सम्मान की बात है, जो कि एक इंडिया का बहुत बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म आज के टाइम पे बिल्डअप हो रहा है और हो चुका है। और सक्सेस स्टोरी की बात करूं तो मैं अपने जस्ट 12th कंप्लीट करके मैंने BSc फिजिक्स ऑनर दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज से किया, जो कि मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मैंने MSc फिजिक्स वहां से किया, और MSc करते हुए ही मेरा नेट JRF हो गया, तो मैंने उसके बाद में PhD में एडमिशन लिया CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में। और PhD करते हुए मैंने गेट भी किया, गेट का 150 रैंक भी हासिल किया, और यूं ही सब कुछ चलता रहा। और उसके बाद में यहाँ पर फिर मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब निकला हुआ था, तो यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया, एग्जाम दिया, हो गया। कहने का मतलब एक छोटे से सार में बता दूं कि एक बार नेट JRF के लिए, गेट के लिए बहुत अच्छी तैयारी की और वो आज जॉब तक मुझे यहाँ तक ले आए। मतलब अगर एक बार हम अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तो वो हमारे लाइफ का पूरा कैरियर बन जाएगी। जैसा कि मैं अनअकैडमी पे देख रहा हूँ, मैंने चूंकि जीवितेश सर मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो इनके जो लेक्चर्स होते हैं तो वो मैं देखता रहता हूँ। किसी भी चीज की तैयारी के लिए जरूरी नहीं हम सीधे IE इरिडॉप की प्रॉब्लम सॉल्व करें या हम सीधे JD जैक्सन की प्रॉब्लम्स पे जाएं, तभी जाकर के हमारे कॉन्सेप्ट होंगे। उस चीज के लिए बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिपेयर होना बहुत जरूरी होता है, मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट स्टडी का प्रिपेयर होना बहुत जरूरी होता है। तो जैसा कि मैंने आपके लेक्चर में भी देखा है, आपके जो लेक्चर है शुरू के, मतलब मैं बिना प्रॉब्लम्स की बात करता हूँ, उनमें एक रेगुलर स्टडी है, हर एक पॉइंट पिछले वाले पॉइंट से कैसे लिंक है और इसके बाद में क्या पॉइंट आ सकता है, तो एक पूरी बेसिक डिटेल स्टडी उसमें है। तो सबसे पहले हमें उससे होकर के गुजरना चाहिए, जैसा कि अनअकैडमी पे सारे के सारे लेक्चर्स में आप सभी ट्यूटर्स लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो एक बहुत जरूरी है जितने सर। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा बताया। और एक पॉइंट मैं भूल गया था, आप सबको जानना चाहिए कि सर कई बार बार का इंटरव्यू दे चुके हैं, और ये अपने थैंक्स आप यू। में एक बहुत अच्छा चांस होता है कि सर ने वहाँ सब ये अपॉर्चुनिटी मिली है सर को। सर हम सब लोग यहाँ पर जो है नेट की तैयारी करा रहे हैं, फिजिकल साइंस में हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जो CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये सब कुछ किया और ड्यूरिंग MSc कर लिया था, तो आप बताइए कि
कैसे बच्चों को तैयारी करनी चाहिए उन लोगों के लिए जो एमएससी कर रहे हैं और उनके लिए जो जस्ट अभी एमएससी पास हुए, उनके लिए आपका क्या गाइडेंस? बिल्कुल, उनके लिए मेरा ये कहना है कि जब हम एमएससी कर चुके होते हैं और सिंसियरली अगर हमने एमएससी की है तो हमारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट काफी हद तक डेवलप हो जाते हैं, और हम हर बार जब भी नेट जेआरएफ की प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हम फिर से उन सारे के सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट को ही रिवाइज करते हैं और एग्जाम में चले जाते हैं, और एग्जाम में फिर प्रॉब्लम एक नए तरह से आती है और वहां हम फेल हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो हमें करनी पड़ेगी, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सोल्व करनी पड़ेगी। वो प्रॉब्लम सोल्व हम जब घर पे करेंगे हमसे प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, वही प्रॉब्लम हमको ये बताएगी कि अब हमें थ्योरी में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और जब हम घर पे बैठ के प्रॉब्लम्स करते हैं तो अक्सर हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और हम छोड़ देते हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना। हमें बार बार प्रॉब्लम में फंस कर और अपने ट्यूटर्स के लेक्चर्स को देख कर उनसे हम क्या सीख सकते हैं और उस प्रॉब्लम को खुद से ही करना है, क्योंकि एग्जाम में हमारे सामने सेम सिचुएशन बनने वाली है, एक प्रॉब्लम आएगी और हमें उसको फाइनली सॉल्यूशन तक पहुंचाना है। तो मेरा सबसे पहले बच्चों से ये कहना कि आप जितनी ज्यादा से ज्यादा अपने कॉन्सेप्ट डेवलप करने के बाद में, आपके चैनल्स की वीडियोस देखने के बाद में, बुक्स पढ़ने के बाद में, जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो उतनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। नंबर टू पॉइंट ये है, सीएसआईआर नेट का एग्जाम कभी कभी सेम रहता है लेकिन हर बार ना ट्विस्ट होता रहता है, तो हमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए उसके एक पैटर्न को समझना पड़ेगा। जैसे पहले अक्सर डाइपोल के क्वेश्चन पूछे जाते थे, डाइपोल के बाद में क्वार्टर पोल पे आए, फिर क्वार्टर पोल के क्वेश्चन पूछे जाने लगे, उसके बाद में अब क्वार्टर पोल के बाद में ऑक्टा पोल के क्वेश्चन भी लोग पूछ रहे हैं, तो वो पैटर्न किस तरह से ट्विस्ट हो रहा है हमें उसकी उस ट्विस्टिंग को भी समझना पड़ेगा उसको उसको अधिकतम उसके पास में पहुंचने के लिए। यही, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है कि हम कैसे तैयारी शुरू करें और सब कुछ करें। जी तो सर, तैयारी करते समय जो आपको चैलेंजेस आते ही हैं, है ना, ये तो आप कुछ भी काम करते हैं आपको चैलेंजेस आते हैं, तो उन चैलेंजेस को कैसे टैकल करना चाहिए, है ना? जैसे ये होता है कि बहुत सारे लोग, हो सकता है ना कि वो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां पर एमएससी में वो किसी किन्हीं कारणवश अच्छी पढ़ाई ना कर पाए हों, अच्छे कॉन्सेप्ट जी डेवलप जी ना जी कर पाए हों, जी और बहुत जी सारे जी लोगों जी में क्या होता है कि सिटिंग की भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाते हैं, है ना, तो कंसंट्रेशन जैसा इशू होता है, तो उन सब चीजों को आप, वो चैलेंजेस ऑब्वियसली आपकी लाइफ में भी आए होंगे, ये अलग बात है कि वो कब जी आए, जी जी बीएससी में आए या पीएचडी में जी आए, बिल्कुल बिल्कुल उनको बिल्कुल। कैसे टैकल हाँ करा हाँ आपने, है ना? देखिए जीवित सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि अक्सर हम पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं या तैयारी करते करते थक जाते हैं, तो इससे पहले तो मैं इसका आंसर तो इस तरह से दूंगा कि जब हम पढ़ते पढ़ते थक जाएं, तैयारी करते करते थक जाएं, तो हम अपने उस मुकाम को याद करें कि इसको करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमारी जिंदगी कितनी ब्राइट होगी, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं फिर से एक नया जोश भर जाएगा और पढ़ने का मन कर जाएगा और हमारा उठने की इच्छा ही नहीं होगी। तो इस बात को तो हमें रखना है कि एक बार हमारा नेट हो जाएगा तो हमारा नेट हो जाएगा, हम किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर भर पाएंगे, हम किसी भी जगह पे पीएचडी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, और जो आज के टाइम पे 45,000 पर मंथ की फेलोशिप है उसके साथ में पीएचडी परस्यू कर पाएंगे और फॉरन में भी जा पाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो हो गया उसके लिए। दूसरा, तैयारी के लिए ये बात सही है, बहुत सी जगहों पर जो एमएससी का सिलेबस है वो इतने अच्छे से नहीं हो पाता है, तो उसके लिए जैसे कि आपका अनअकैडमी का ही अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, मैंने आपके लेक्चर देखे हुए हैं, अगर कोई 1/1 करके, जैसे आपने क्लासिकल मैकेनिक्स की सीरीज बनाई, आपने मैथमेटिकल फिजिक्स की सीरीज बनाई, अगर उसको कोई लेक्चर नंबर 1 से देखना शुरू करे, मैं ये बात ही नहीं करता कि उसने बीएससी एमएससी की या नहीं की, तब भी मैं कह रहा हूँ चाहे अगर किसी ने बीएससी भी की है, आप 0 नंबर से उसका लेक्चर देखना, आपका जो लेक्चर है क्लासिकल मैकेनिक्स का, नंबर 1 से देख करके नंबर लास्ट तक देख लीजिएगा, और उसके बाद में आप प्रॉब्लम सोल्व करोगे तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप करने लगोगे। यही मैं तो सोच मतलब रहा ये था जब मैंने जी शुरू किया कि हो सकता है पहले पहले आप वो वाली प्रॉब्लम कर पाओ जिनमें 2+2 = 4 ही पूछा जाता है, फिर आप वो वाली प्रॉब्लम भी कर पाओगे जिसमें 2 × 8 मतलब कि 16 आता है, वो वाली प्रॉब्लम भी कर पाओगे। एक्चुअली क्या है, नेट का एक लेवल है, जिस दिन हम उस लेवल पे पहुंच गए हम क्रॉस कर जाएंगे, बिल्कुल, लेकिन हमको धीरे धीरे करके उस लेवल को, मतलब कि उस लेवल तक पहुंचना है और उस लेवल को क्रॉस करना है। आज हमारा लेवल यहाँ है तो हम वो लेक्चर देखेंगे, थोड़ा और बढ़ेंगे, फिर हायर लेवल्स की प्रॉब्लम्स करेंगे, अपने एजुकेटर से पूछेंगे। एक दिन में कोई भी महान नहीं होता और एक दिन में किसी से कुछ भी नहीं होता। मैं भले कह रहा हूँ मेरा एमएससी में
एमएससी के लास्ट में मेरा नेट हो गया, लेकिन वो प्रिपरेशन मेरी बीएससी के पहले साल से शुरू हो गई थी। Exactly. अब कोई अगर उस जी अगर कोई उस प्रिपरेशन को थोड़ा लेट शुरू कर रहा है तो उसे थोड़ा और ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने अपने पीएचडी करते हुए बीआरसी के 4 बार एग्जाम क्वालिफाई किया, उसी दौरान में हर बार 150 के आसपास रैंक लेकर के आ रहा था, ठीक है ना। तो वो क्या है, मेरा लेवल यहाँ पहुंच गया था, अब मुझे यहाँ तक जाने के लिए कोई ज्यादा मेहनत ही कर, मतलब एक बार अगर आपने बहुत समय लगेगा आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए, और जब आपका लेवल बन जाएगा तो फिर बहुत इजी हो जाएगा सब कुछ आपके लिए। यही सवाल रहते हैं अक्सर बच्चों के। और अब आपने बात की कि हमें उस सपने के बारे में सोचना चाहिए जो हमें वहां तक लेके जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो सर बिल्कुल, अब आप वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, थोड़ा सा असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइफ के बारे में बताइए कि आपको कितना रेस्पेक्ट फील होता है और कितनी सिक्योरिटी, और मतलब आपकी जो वो लाइफ है एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को बता के हम। हाँ, तो जिविदेश सर, जब ये फोन निकला था तो उस टाइम पे मैं पीएचडी कर रहा था, शुरू से बता देता हूँ। और मैं इसका फॉर्म निकला, मैं फिर वही एग्जाम देने के लिए गया, और एग्जाम से 15 दिन पहले, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा बीच में स्किप करके एक बात और बता रहा हूँ। हमें जब भी हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, जी विदेश सर के हम लेक्चर देख रहे हैं, तो हमें अपने नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए। नोट्स हमें ऐसे प्रिपेयर करने चाहिए कि लास्ट के एक दिन पहले मैं ये सब पढ़ूंगा क्लासिकल मैकेनिक्स के, मेरे 2 पेज रेडी होंगे, बस मैं 2 पेज पढ़ूंगा। मतलब हमारे नोट्स एकदम रेडी होने चाहिए हमेशा। अगर मेरे पास में 1 घंटा भी बचा हुआ होगा तो उस 1 घंटे में मैं ये सारे फॉर्मूलाज देखूंगा, लैग्रांजियंस देखूंगा, और ये जो जनरेटिंग फंक्शन है तो ये देखूंगा। मतलब मेरे सारे के सारे नोट्स हर पॉइंट पे प्रिपेयर होने चाहिए। अगर मैं 4 महीने पहले तैयारी करूंगा तो मेरे नोट्स, ये वाले नोट्स मैं अपने प्रिपेयर करूंगा। तो वे नोट्स हमें लाइफ टाइम लॉन्ग जर्नी में बहुत फायदा देते हैं, बेइंतहा फायदा देते हैं। और मैं ये बात यहाँ पे इसलिए लेकर गया क्योंकि जब मेरा अपना एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर का था तो मेरे अपने नोट्स रेडी हैं, और वे नोट्स, हर एक के नोट्स, जैसे मेरे नोट्स भी मैं ही समझ सकता हूँ, दूसरा नहीं समझ सकता कोई भी। तो जैसे मेरे पास 15 दिन का समय था, मैंने अपने सारे के सारे नोट्स उठाए, उनसे नोट्स के मैं गो थ्रू हुआ, और यहाँ का एग्जाम दिया, मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो गया। उसके बाद में मेरी पीएचडी अभी पूरी भी नहीं हुई थी, लगभग अभी 6 महीने का काम बचा हुआ था, राइटिंग प्रोसेस बचा हुआ था, और मेरी यहाँ पे जॉब लग गई और मैं यहाँ पे आ गया। उसके बाद में लाइफ इतनी स्मूथ हो गई कि मैं आपसे बता नहीं सकता। जैसा कि एक तो हम अपना जब पीएचडी कर रहे होते हैं तो हमारे जो सीएसआईआर की फेलोशिप है वो किसी ना किसी कारणवश कभी कभी 1 महीना लेट, कभी 2 महीना लेट, कभी 3 महीना लेट हो जाती है। इसके लिए मैं किसी भी बॉडी को रेस्पॉन्सिबल नहीं मानता। कभी कभी हम डॉक्यूमेंट जमा लेट कर देते हैं, कभी कुछ हो जाता है। वो पॉलिसी ऐसी यहाँ पर है कि वो एक साथ आती है, मतलब वो एक साथ अमीर बना देती है। लेकिन सर ये भी पता है, जब वो एक साथ फेलोशिप आती है, लाखों में ट्रांसफर होती है, एक साथ ऐसा राजा वाली फील आने लगती है ना सर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी सही है। और यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का, जैसे मैं यहाँ पे आया तो अब सैलरी एकदम टाइम टू टाइम आती है, बच्चों के बीच में रहते हैं, बच्चों के बीच में रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अब तक पढ़ा बहुत अच्छे से है तो बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो बच्चों का जो रेस्पॉन्स होता है वो लाजवाब होता है। मेरे एक बच्चे ने, मतलब के जो कॉलेज के बाहर एक चाय की दुकान है, तो उस चाय की दुकान पे बात करते हुए बच्चे बोल रहे थे कि फिजिक्स वाले सर तो ऐसा पढ़ाते हैं जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, मतलब कि गजब की फीलिंग आती है। तो बस यही, तो मतलब, यही टीचर को यही चाहिए। हाँ, चाहिए, और यही टीचर की लर्निंग है। और फिर से मैं वहीं पे आऊंगा, एक बार हमने अगर तैयारी मन से, जी जान से, अच्छे से कर ली तो वो कहाँ तक हमको फायदा दे रही है। मैं कि सिर्फ नेट जेआरएफ निकालने में, सिर्फ गेट निकालने में, या जेस्ट निकालने में, या बीआरसी का इंटरव्यू देने में, या पीएससी का एग्जाम निकाल के जॉब लेने में, यहाँ तक कि बच्चों को पढ़ाते हुए भी उस चीज का यूटिलाइज हो रहा है। और वो रेस्पेक्ट तो अब मतलब, हाँ बिल, अब रेस्पेक्ट है लाइफ में, सब चीज है। पर ये है कि एक बार अगर आप अच्छे से कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, सबकी लाइफ में आते हैं। लेकिन जिसकी लाइफ में ही अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जिसकी लाइफ में खड्डे आते हैं, तो छलांग मारनी भी वही सीखता है, कोई दूसरा नहीं सीख पाएगा, ये तो तय है। अगर हमें छलांग मारनी सीखनी है तो गड्ढों से होकर गुजरना पड़ेगा। सर ने छलांग मारनी सिखा दी अब आप लोग को, बाकी सर आपसे मिलते रहेंगे। तो सर से आपको जो भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, सर को आप टैग करिएगा या फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, सर आपको रेस्पॉन्स करेंगे। और अगर आपके और कुछ सवाल होंगे तो सर फिर हमारे साथ हो जाएंगे थोड़े दिन बाद। जी, तो अगर किसी भी एग्जाम से लेकर के, किसी भी चीज से लेकर के आपके कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, आप जीवितेश सर को पर्सनल मेल कर सकते हैं, उनका मेल आईडी या सब इन्फॉर्मेशन आपके पास में होगी, और आप इस वीडियो के उसमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके
पॉसिबली बहुत अच्छा जो आंसर हो सकता है वो दे सकते हैं। बेस्ट यही रहता है कि आप वीडियो अगर 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 आपके व्यूअर्स चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई नई वीडियो के बार का इंटरव्यू कैसा होता है, कैसे फेस किया जाता है, या एक पर्टिकुलर गेट के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा पर्टिकुलर वीडियो के लिए, तो सर कोऑर्डिनेट सर के साथ में कोऑर्डिनेट करके हम पर्टिकुलर पॉइंट पे भी आपके साथ में आ सकते हैं। यही हम चाहते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव सेशन करेंगे आने वाले टाइम में, जहां हम पर्टिकुलरली किसी एक ऑब्जेक्ट के लेकर के बात करेंगे, उसके सारे एस्पेक्ट में बात करेंगे। तो सर थैंक यू सो मच आप मेरे साथ जुड़े, और मेरे साथ ये हमारे सारे बच्चों के लिए आपका गाइडेंस जरूर बहुत हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू सो मच मेरी तरफ से भी और अनअकैडमी की तरफ से भी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच, चैनल सब्सक्राइब करिए। गुड बाय, टेक केयर। ठीक है सर, एक बार आप भी गुड बाय कह दीजिए और मिलते हैं फिर। हाँ गुड बाय, और अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो जीवीटी सर का एक कोड है JK10, आप उस कोड का यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको वहाँ पे बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं और सारी फैसिलिटीज आपके पास है, यहाँ पे शुरू में हमने बताई थी। ओके बाय बाय, आप सभी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, लेट्स क्रैक इट।